कुशवाहा है, और आपको बता दूं कुशवाहा है लेकिन लंटेन छाप पकड़ दीजिए सिद्धांत की वजह से। आज देश बचा रहेगा तो हम बचे रहेंगे, हमारे बाल बच्चे बचे रहेंगे। आप तो युवा है, आप किसको चुनिएगा? अवध बिहारी चौधरी को। अवध बिहारी चौधरी को जी। आप किसको चुनिएगा? अवध बिहारी चौधरी को। अच्छा, आप किसको चुनिएगा? मैडम सबसे पहले आप किस जाति से हैं? हम कुशवाहा हैं। कुशवाहा हैं? हाँ। कुशवाहा है लेकिन अवध बिहारी चौधरी का सपोर्ट कर रहे हैं। योग्यता के ऊपर अवध बिहारी एक चेहरा है। हाँ। सिवान जिला के एक निकी निकी चेहरा है। अच्छा, इसलिए मैं इनको समर्थन करना चाहता हूँ। चाचा हुई है अवध बिहारी। कौन चाचा? अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी। हाँ। लगता है कि एक तरफ कमल है, एक तरफ लल्टेन है, दूसरे तरफ हीना साहब भी दावा कर रही है, तो क्या लल्टेन जलेगा कि कमल खिलेगा कि कौन आएगा? वो लल्टेन में जलेगा, लल्टेन ही जलेगा। 6 बार से विधायक रहे और पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी अपने काफिलों के साथ नॉमिनेशन कराने के लिए पहुँच गए हैं, और उनके काफिले में बहुत सारे सिवान के गली गली से जो लोग हैं पहुँचे हुए हैं। लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार किसका पलड़ा भारी पड़ेगा। एक तरफ लक्ष्मी कुशवाहा जी है, हीना साहब भी है, बहुत सारे प्रत्याशी हैं, तो आखिर पब्लिक का जो रुझान है वो किस ओर जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल चलिए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? मंगल प्रसाद। अच्छा, कहाँ से आए हैं? बढ़िया। अच्छा, बढ़िया से। पंचायत राजपली। अच्छा, इस बार क्या लगता है कि सिवान जिला में किसका पलड़ा भारी पड़ेगा? अवध बिहारी चौधरी का, राजद का। राजद का। हाँ। राजद का के इस एक तरफ लक्ष्मी कुशवाहा जी है, दूसरे तरफ ये क्या बोलते हैं हीना साहब भी दावा कर रही हैं। तो अपना अपना लोग दावा कर रहे हैं, तो जनता को वोट देना है। आखिर क्या आप जातिवाद पे आप वोट दीजिएगा, काम के नाम पे वोट दीजिएगा कि जात के नाम पे वोट दीजिएगा? काम के नाम पर। क्या लगता अच्छा, है? अच्छा अच्छा कैंडिडेट होगा उसी के नाम पर वोट देंगे। और बिहारी चौधरी में क्या आपको अच्छा लगा है? और बहुत अच्छा लगता है उनका बेवोली व्यवहार, काम कैसे काम करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हीरामन भाई जी। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार किसका पलड़ा भारी पड़ेगा? अवध बिहारी का। अवध बिहारी का। अवध बिहारी जी का। अच्छा, अवध बिहारी चौधरी जी के नॉमिनेशन में जो भी काफिला दिख रहा है, क्या इनके वोटर्स हो सकते हैं? हाँ, बहुत आदमी ऐसा है जो उनको घर बैठा वोट दे। किस जाति से है? हम माझी से। माझी हैं। हाँ। माझी है, फिर भी अवध बिहारी चौधरी को क्यों? अब उनका स्वभाव के लेकर हम लोग दे रहे हैं वोट, मतलब स्वभाव उनका अच्छा है, अच्छा है इसलिए। क्या लगता है कि एक तरफ कमल है, एक तरफ लल्टेन है, दूसरे तरफ हीना साहब भी दावा कर रही हैं, तो क्या लल्टेन जलेगा कि कमल खिलेगा कि कौन आएगा? वो लल्टेन में जलेगा, लल्टेन ही जलेगा। सोच लिया एकदम, लल्टेन ही जलेगा। कहाँ से आए हैं? बरहनी से। बरहनी बाजार। अच्छा, बरहनी से। किसका पलड़ा भारी पड़ेगा इस बार? आरजेडी। आरजेडी? आरजेडी का क्यों? पूरा आरजेडी का गमछा भी लगा दिया है ग्रीन। तो क्या करे, आरजेडी का हम लोग है ही हैं। आरजेडी का ही है। हाँ। एकदम मतलब हारे या जीते आरजेडी को यहाँ। आरजेडी हम लोग का पार्टी है। चुपचाप लल्टेन छाप। चुपचाप लल्टेन छाप। आप तो युवा है, आप किसको चुनिएगा? अवध बिहारी चौधरी को। अवध बिहारी चौधरी को जी। आप किसको चुनिएगा? अवध बिहारी चौधरी को। अच्छा, आप किसको चुनिएगा? मैडम सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद, और आपसे बात करते हुए मैं यहाँ की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि समस्या ये नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। आपको मैं अपनी बात रखने के पहले बता दूँ कि सबसे बड़ी समस्या है इस देश के सामने कि यहाँ की संविधान बचेगी कि नहीं। मेरा सहोदर भाई भी अगर दूसरे दल पार्टी से आता तो मैं उसका विरोध करता। आज देश प्रथम है, देश बचा रहेगा, इसका संविधान बचा रहेगा, तो हमारा उसी में सिवान भी बचा रहेगा। और इसी कारण से महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी आता, आज अवध बिहारी चौधरी जी हमारे प्रत्याशी हैं, अगर इनको छोड़ के दूसरा कोई भी आता तो हम उसके कार्यकर्ता बन के आज सिवान के चिलचिलाती धूप में आपको इसी तरह मुस्तैद मिलते। कारण है, देश सर्वोपरि है, और देश के राष्ट्रवाद का नारा देने वाले जो लोग हैं उनको यहाँ की जनता। कहाँ से आए हैं? मैं बढ़हरिया में मेरा घर हुआ, सिवान जिला परिषद का पूर्व मैंने उम्मीदवार रहा हूँ, मेंबर रहा हूँ सर, कमलेश कुमार। अच्छा, प्रसाद। अच्छा, कमलेश कुशवाहा हैं। अच्छा, कुशवाहा हैं, और आपको बता दूँ कुशवाहा है लेकिन लंटेन छाप पकड़ दीजिए सिद्धांत की वजह से। आज देश बचा रहेगा तो हम बचे रहेंगे, हमारे बाल बच्चे बचे रहेंगे। और लोग कल भी आप हमारी दुश्मनी किससे है? किसी से हमारी दुश्मनी नहीं है, हमारे ही। अच्छा, हम आपके पास भी आएंगे। क्या क्या समस्या है, मूल समस्या क्या है सिवान का? मूल समस्या देश का संविधान है, और संविधान जो है वो खतरे में है, और इसके वजह से सिवान की समस्या जो है
इसी भारत, अगर भारत बचा रहेगा तब ना सिवान की समस्या। अच्छा, सिवान का समस्या क्या है आपके अनुसार? देखिए सिवान में तो बहुत सारी समस्याएं आजकल, तो सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तीन जो सब नहीं है। तेजस्वी जी वादा करके भी गए हैं कि जो रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, सब चीज होगा जी, विश्वास है मिलेगा। 17 महीना में दिए हैं, जो 17 साल में नहीं हुआ वो 17 महीना में हुआ। आप तो बहुत बुजुर्ग होगा, इस बार कौन आएगा? और बिहारी चौधरी राजद आएगा। आज राजद ही आएगा जी। कौन आएगा चाचा इस बार? चाचा वही है और चाचा और बिहारी चौधरी। हाँ बढ़िया नेता हूँ, बढ़िया नेता हूँ। हाँ वही से वोट देंगे, सब और बात सुन ले। अच्छा इधर भी है, आप बताइए आपका आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? ज्योतिष प्रसाद नाम है। कहाँ से आए हैं? घर जगन्नाथपुर बढ़रिया थाना से हैं। अच्छा अच्छा, आज औद बिहारी चौधरी के नॉमिनेशन में आए हैं, किसका पलड़ा भारी पड़ेगा? औद बिहारी चौधरी के तो देखने से तो भारी पड़ता है। हाँ। और वरिष्ठ नेता है, विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर भी रह चुके हैं, इसीलिए मुखिया भी रहे, योग्यता है इनके पास। हाँ। इसीलिए इनको सब लोग मिलकर समर्थन करते हैं। मोदी जी कह रहे हैं चार सपा आ रहा है, एक तरफ इंडिया गठबंधन कह रहा है कि नहीं इंडिया गठबंधन ही आएगा। ये औद बिहारी चौधरी वरिष्ठ नेता है। हाँ। इनके सामने जाति और पार्टी अलग है, लेकिन इनके योग्यता के ऊपर पब्लिक वोट देंगे। इस बार आप किस जाति से हैं? हम कुशवाहा हैं। कुशवाहा हैं, लेकिन औद बिहारी चौधरी का सपोर्ट कर रहे हैं। योग्यता के ऊपर औद बिहारी चेहरा है। हाँ। सिवान जिला के एक निकी नहीं चेहरा है। अच्छा। इसलिए मैं इनको समर्थन करना चाहता हूँ। जो सिवान का मूल समस्या क्या है, कुछ पता है आपको? मूल समस्याएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं, शिक्षा से संबंधित हैं, इन सब चीज़ों पर कोई बात नहीं करता, नहीं करता है, है। जी जी जी, जो भी केवल मोदी जी के नाम पर जितने भी प्रत्याशी आते हैं केवल वोट लेके चले जाते हैं, बस यही समस्या है। सभी लोग उन्हीं के चेहरा पर वोट, प्रत्याशी उनका कोई माने नहीं रखता। लालटेन जलेगा कि कमल खिलेगा? लालटेन जलेगा, लालटेन जलेगा। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हाँ। ये सिवान है। हाँ। आप सोचिए, जहां महागठबंधन के 6 विधानसभा के अंतर्गत 5-5 विधायक यहाँ से महागठबंधन के जीत गए हैं, यहाँ जो NDA गठबंधन है उसको 5 विधायक का यहाँ हार हुई थी, केवल यहाँ एक सीट का खाता खुल रहे हैं कि 4 सपा इस बार। अरे भाई, यहाँ से तो मोदी और नीतीश को हम लोग कहिए भगा दिए 2020 में, आपको बता रहे हैं कैसे, बता रहे हैं कैसे, आपको एग्जांपल नाम बता रहे हैं, आप मीडिया कर्मी हैं, सुनिए। 6 विधानसभा के सीट है जिसमें महागठबंधन की 5 सीट यहाँ से जीती हुई है, तो हम लोग भगाए नहीं तो क्या उनको रखे हैं? नीतीशों को भगाए हैं और मोदियों को यहाँ से भगाए हैं एकदम। देखिए MLC यहाँ महागठबंधन का, 5-5 विधायक महागठबंधन का। इस बार लालटेन जलेगा कि कमल खिलेगा? इस बार लालटेन जलेगा, लालटेन जलता रहेगा हमेशा, इसलिए कि हमारा भौतिक ऑपरेटर साहब और हमेशा के लिए सदियों में वह जो है बरकरार रहा है। लालटेन जो है जलता रहेगा, इसका मसाल जलता रहेगा, इसलिए मेरी बात सुनिए। या हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान हमारे पूर्वजों की बलिदान के बदौलत मिला हुआ है, किसी बेईमान के बदौलत नहीं मिला हुआ है। जो यह मोदी सरकार अपनी जागीर बना के रखा है, यह जागीर उसका नहीं है, वह देश का सबसे बड़ा बेईमान। जो विद्वानों को नहीं हुआ, जो किसानों का नहीं हुआ, जो जवानों का नहीं हुआ, वो हिंदुस्तान का क्या होगा? ऐसे बेईमान को बदल देना है। इनकलाब जिंदाबाद। जो बेईमान किसको कह रहे हैं? जो इस देश की जनता के साथ बेईमानी, इस देश की जनता की आवाज़ को दबाया गया। लोकतंत्र, लोकतंत्र में जनता की आवाज़ सबसे सर्वोपरि होता है। मोदी जी अपने मन की बात सुनाता है, जनता की मन की बात कभी नहीं सुनता है। ऐसा बेईमान नहीं होना चाहिए देश की प्रधानमंत्री को, वो जनतंत्र की आवाज़ को सुनना चाहिए। जनता का प्रतिनिधि है, वो जनता और देश का मालिक नहीं है, वो प्रतिनिधि है, प्रधानमंत्री है। तो मैं आंदर ब्लॉक से आया हूँ, सुल्तानपुर मेरा घर हुआ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्रीनिवास यादव है। अच्छा, यादव ही है जी। जात के नाम पे वोट दीजिएगा काम के? किसी जात पात की बात जरूरत नहीं है, यह हिंदुस्तान जनतंत्र के लिए है, गणराज के लिए है, डेमोक्रेसी जो बना हुआ हमारा, ये किसी जाति के नाम पर नहीं बना। फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। मोदी जी किस प्रिंसिपल पर चलता है बताएं? मोदी जी किस प्रिंसिपल चलता है? पॉलिटिकल का
पॉलिटिक्स का डिफिनीशन बता दे मोदी जी तो मैं उनका गुलामी करूंगा। पॉलिटिक्स का डिफिनीशन मोदी जी बता दे तो मैं उनका गुलामी करूंगा। व्हाट डू मीन बाय पॉलिटिक्स, व्हाट डू मीन बाय पॉलिटिक्स, मोदी जी बता देंगे तो मैं उनका गुलामी करूंगा। मेरा उमेश प्रसाद नाम है, मैं बरहरिया ब्लॉक से राजोपाली पंचायत से आए हैं। अच्छा, आज औद बिहारी चौधरी जी के नॉमिनेशन में आए हुए कितने लोग के साथ आए हैं? हम लोग आए हैं, हमारे साथ आए हैं 25 आदमी। 25 आदमी जी आए हैं। जी अच्छा, किस जाति से? हम यादव जाति से हैं। हमारे साथ जो आए हैं हर वर्ग के लोग आए हैं, मुस्लिम, कुशवाहा, राजपूत, भूमिहार और सब जाति के वर्ग के लोग ही आए हैं। अच्छा, इस बार आप ना जात के नाम पे वोट दीजिएगा कि काम के नाम पे? हम लोग काम के नाम पे वोट देते हैं, जात के नाम। औद बिहारी चौधरी जी अगर जीतते हैं तो काम करेंगे? सिवान का बहुत समस्या है, जाम से स्वास्थ्य को लेकर हर एक समस्या है, यहाँ पे कुछ विकास नहीं हो रहा है। यहाँ औद बिहारी जी का, मंत्री जी का बहुत अच्छा यहाँ रिस्पॉन्स है, पकड़ है। सिवान के गांधी माना जाता है, उनको कहा जाता है, वो बहुत सारे काम किए हैं, उन पे हम सभी जनता का भरोसा है, जीतेंगे तो बहुत अच्छे से काम करेंगे। मोदी जी कह रहे हैं 400 पर, इसको लेके क्या कहिएगा? नहीं नहीं, वो तो जुमला बोल रहे हैं, 400 जी जी, 400 पार नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, लालटेन ही जलेगा, लालटेन ही जलेगा। तो देखिए, हमारे साथ बहुत सारे लोग थे जिन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि बहुत अनुभवी नेता है, विचार उनका अच्छा है, जीतेंगे तो काम करेंगे। अब कुछ ही दिन में वोटिंग होगा, रिजल्ट भी आएगा और क्या परिणाम होता है तो वक्त बताएगा। आपका क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरीके के तमाम खबरों के लिए देखते रहे बिहारी प्रतिभा न्यूज़। धन्यवाद।